हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के साथ है तो लेकर आ चुके हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर प्लस उसका आंसर भी। फिजिक्स का हम अपलोड कर चुके हैं, आप सेकेंड चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे मेन चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, दोनों पर आपको अपलोड मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है ना साइंस वालों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का स्टार्ट करते हैं। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। दो नंबर है, दाहिनी और होशिए दिए गए अंक को निर्देश करते हुए लिखना है। यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। चलिए बिना देरी को एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, एक सेकंड दिखा रहे हैं। चले, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। दिया है एक नंबर क्वेश्चन, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन के मूलक के आधार पर आपको लिखना है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, इसी का हम आंसर आपको आगे बताए हैं। ठीक है, कॉपी पर लिख कर बताएं, आप लोग अच्छे तरीके से दे सकते हो या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हो। आगे अथवा में, इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का ही जवाब आपको देना है। आगे क्वेश्चन दिया है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में ऋण मूलक की पहचान शुष्क आदि की परिमाण के आधार पर आपको करना है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, दिए गए अकार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु में उपस्थिति की जांच आपको करना है। दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अथवा दिए गए अकार्बनिक यौगिक O3 में क्रियाशील मूलक के पहचान आपको करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं, अथवा में प्रायोगिक विधि में फेरस अमोनिया सल्फेट के द्विक लवण के तैयार करके आपको लिखना है। इनमें से कोई एक का आपको आंसर आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड सॉल का निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे तरीके से लिख देना है। सभी का आंसर बताएं तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन का आंसर देखते चलिए। आगे, अनुमान विधि के द्वारा विलयन M/10 ऑक्लोजिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम ज्ञात करना है। तीन नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तीन नंबर के बाद चार नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दिया है इसमें, यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद दिया है कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अनावेश योजना क्या है, इसके बारे में आपको लिख लेना। मतलब ये कॉपी है, आपको कॉपी जमा करना है, सिंपल भाषा में समझे तो। और पाँच नंबर है मौखिक, आपको मौखिक में प्रश्न वो लोग पाँच नंबर का पूछेंगे, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे हो गया ना, यहाँ तक होने के बाद आपका आंसर देखते हैं। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खंड अ में। ठीक है, खंड अ में एक नंबर का आंसर हो जाएगा खंड अ में। देखिए, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क आर्द्र परीक्षण के आधार पर इस तरह से की जा सकती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, शुष्क परीक्षण इनमें से नमक की थोड़ी सी मात्रा को सूखी परख नली में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर कुछ लवण विघटित हो जाते हैं और गैसों से निकलती है। इन गैसों का अध्ययन करके नमक में मौजूद आयनों की प्रकृति का पता चलता है। यहाँ पर इसका आंसर शुष्क परीक्षण का हो जाएगा। देखिए, इसके बाद भी आपको लिखना है। आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो। आगे है, आर्द्र परीक्षण पानी में घुलनशील लवण के लिए पानी का आर्द्र और घुलनशीलता लवण के लिए सोडियम कार्बोनेट का उत्पाद को इस्तेमाल करके उत्कृष्ट कारक आयनों का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर इसका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से वीडियो को जूम करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे, दो नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन की मौजूदगी की जांच के लिए क्लोरीन रिफ्रैक्टल Cl का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रकाश में प्रतिक्रिया करके यह क्लोरीन प्रतिस्थापित कार्बनिक यौगिक बनाता है। यहाँ तक दो नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो नंबर में ही अभी और दिया हुआ है। देखिए, दो नंबर में और आगे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ना, दो नंबर में क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिकों के कुछ उदाहरण हो जाएगा, जैसे प्लारिकोरिनेटेड वाडफिनॉल हो जाएगा, दावा डाई क्लोरोफिनॉक हो जाएगा और ट्राई सोलोशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आगे देखिए, इसमें लिखना है, घरेलू और औद्योगिक अपकृष्ट जल में कई क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं और ये यौगिक विपले होते हैं और अंतरस्रावी तंत्रों में अधिक
अधित होते हैं, अधित कहते हैं, ठीक है, अधिक तंत्रों को अधित कहते हैं। यहाँ तक इसका आंसर दो नंबर का हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl की मोलर सांद्रता मानक सोडियम कार्बोनेट MHNO2CO3 की सहायता से अनुमापन विधि से निर्धारित करने की तरीका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है ना यहाँ पर, ब्यूटेन की धोकर खंगाल कर उसमें MnHO3NO3 घोल भी मिलाया जा सकता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीन नंबर में लिखना है आरंभिक रिगेड नोट करें, ठीक है। फिर तीन नंबर में यहाँ पर लिखना है विफेड की मदद से 10 सेंटीमीटर HCl विलय ले और 5 से 1 सरफ घोल ले, अनुमानतः फ्लक्स में डालें, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है चार नंबर अनुमापन फ्लक्स में M10, ठीक है, M10 सोडियम कार्बोनेट विलयन तक डाले जब तक उसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका फिजिक्स का पेपर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए आपको बायोलॉजी का पेपर अगर चाहिए ना तो बायोलॉजी का पेपर चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी का भी पेपर चैनल पर मिल जाएगा, अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख सकते हो। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए होंगे, ठीक है। इसका सारा पेपर हम अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर आराम से देख सकते हो, ठीक है, देख लीजिए। सारा क्वेश्चन करा ही दिए, आपका यहाँ पर तीन नंबर का आंसर हो जाएगा, जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए, और इसके लिखने के बाद यहाँ पर आपको तीन नंबर का आंसर लिख लेना है, इसके बाद वो वाला लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दो नंबर के बाद देखिए यहाँ पर दो नंबर हो जाएगा, ठीक है, और दो नंबर के बाद यहाँ पर एक नंबर हो जाएगा, यहाँ तक आपका करा ही दिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका फिजिक्स का भी पेपर करा दिए हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग, देखिए फिजिक्स का ही कराए तो सारा का आंसर आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, ये फिजिक्स का आपका पेपर था। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।